क्या लगता है कि संविधान बचाने की जो लड़ाई है इसमें कामयाब होने वाला है? हम तो चूंकि उस लड़ाई के हिस्सा हैं तो हम तो आखिरी लम्हे तक चाहेंगे कि वो लड़ाई कामयाब हो, दिल्ली की सरकार बदले, और इंतज़ार करेंगे हम इस बात का कि बीजेपी जैसे 230 के नीचे आ गई है, एनडीए अभी 280 और 90 के बीच में झूल रहा है, हम उम्मीद करेंगे कि वो और कम हो जाए, हम उम्मीद करेंगे कि नीतीश कुमार के फिर से अंतरात्मा जागे, चंद्रबाबू नायडू की अंतरात्मा जागे। बहुत कुछ खेल होना बाकी है। 22 जनवरी के आसपास तक ये सोचा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी। उस उत्तर प्रदेश ने पिछले 3 महीने में चुनाव को बदल कर रख दिया। मैं 3 वजह देखता हूँ अखिलेश यादव के इस पूरे नए रूप के आने का, जिसमें पहली वजह है जो उन्होंने डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर के विचार को एक करके संविधान को केंद्र में रखा और संविधान को सबसे आगे वरीयता दी। दूसरी वजह है पीडीए की, बात ही नहीं कि उस पर टिकट बांटा और उस टिकट के वितरण ने हर जाति, हर बिरादरी, हर तबके को जोड़ने में मदद कर दी। और तीसरी बात है एक ऐसा लीडर जिसका पूरा पॉलिटिकल कैंपेन पॉजिटिव अप्रोच का है, उसके चेहरे की हंसी किसी गाली से अफसोस में नहीं बदली। जी हमारे साथ हैं सर, कैसे देख रहे हैं, कैसे बाजी पलट गई? बाजी, वो डॉक्टर लोहिया कहते थे ना कि रोटी को पलटते रहना चाहिए नहीं तो जल जाती है। लोकतंत्र में रोटी पलटने का वक्त यही होता है, चुनाव ही होता है। असल में जिस उत्तर प्रदेश को लेकर के ये 22 जनवरी के आसपास तक ये सोचा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी, उस उत्तर प्रदेश ने पिछले 3 महीने में चुनाव को बदल कर रख दिया। हमने उत्तर प्रदेश की 80 में से 50 लोकसभा सीटें देखी हैं और तमाम चीज़ें देखी हैं। ऐसी जगह पर हमने ये बहुत करीब से देखा कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत नाराज़ थी बीजेपी से। उस नाराज़गी को चैनलाइज करने का काम नेता का होता है, दिशा देने का काम नेता का होता है, और उस जगह को भरा अखिलेश यादव ने, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने उसे जनता तक पहुंचा दिया। मैं 3 वजह देखता हूं अखिलेश यादव के इस पूरे नए रूप के आने का, जिसमें पहली वजह है जो उन्होंने डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर के विचार को एक करके संविधान को केंद्र में रखा और संविधान को सबसे आगे वरीयता दी। दूसरी वजह है पीडीए की, बात ही नहीं कि उस पर टिकट बांटा और उस टिकट के वितरण ने हर जाति, हर बिरादरी, हर तबके को जोड़ने में मदद कर दी। और तीसरी बात है एक ऐसा लीडर जिसका पूरा पॉलिटिकल कैंपेन पॉजिटिव अप्रोच का है, उसके चेहरे की हंसी किसी गाली से अफसोस में नहीं बदली। उसे बहुत कुछ, आपके सवाल में भी होता ना शहजादे, तो शहजादे का जवाब उन्होंने दिया कि ये जनता, हम शह दे रहे हैं, जनता मात देगी। तो बहुत ह्यूमर वाला एक नेता, बहुत संयम के साथ जनता को दिशा देने वाला एक नेता। और कल्पना करिए, अगर अभी इलेक्शन कमीशन 34-35 सीटें दे रहा है यूपी में सपा को, और अगर ये लास्ट तक जाते जाते थोड़ा एक दो और बढ़ा, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बीजेपी और कांग्रेस के बाद सपा होगी, और मुझे लग रहा है कि ये एक नई पार्टी होगी, एक नया नेता जो सबका नेता होगा। और इस उत्तर प्रदेश ने पूरे देश को दिशा दिखाई है। थोड़ी सी कांग्रेस की तरफ से थोड़ी और चीज़ें बेहतर हो गई होती, मसलन मध्य प्रदेश में, मसलन कर्नाटक में, और थोड़ा अभी हम इंतज़ार भी करेंगे क्योंकि हम और आप जब बात कर रहे हैं तो अभी अंतिम परिणाम नहीं आया। तो उत्तर प्रदेश ने दिशा तो दे दी है, हिम्मत दे दी है देश को, बाकी देखते हैं अंतिम परिणाम क्या होता है। बात कर लूँगी स्मृति ईरानी की, काफ़ी वोटों से पीछे हैं, उसे के शर्मा आगे हैं, कहाँ कल तक के वो ताल ठोक रही थी। आत्मविश्वास जब अहंकार में बदल जाए तो वो विनाश करता है। जमहूरियत में आत्मविश्वास होना तो अच्छी बात है, अहंकार नहीं होना चाहिए कि आपके पास पैसा है, आपके पास सत्ता है, आपके पास पावर है तो आप सबसे बड़े नहीं हो जाते। कल्पना करिए कि केएल शर्मा जिन्हें हरा रहे हैं वो कांग्रेस के एक सामान्य से सिपाही हैं, पुराने सिपाही हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन उस सिपाही से कांग्रेस किसको हरा रही है जो अहंकार की प्रतीक बन चुके थे। जनता की ताकत ये होती है। और मैं एक और उदाहरण दूंगा, अमेठी के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव पर नज़र रखिएगा, अयोध्या पर, अयोध्या से बहुत कुछ संदेश मिलेगा। ये एक उत्तर प्रदेश के मिजाज को बताता है।
संविधान बचाने की बात पर अखिलेश यादव के भरोसे ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक आत्मविश्वास भर दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि अमेठी हो या अयोध्या, संदेश दूर तक जाएगा। सर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि अभी 12:30 एक का टाइम हो रहा है, अभी 4 बजने में काफ़ी समय है, क्या लगता है कि संविधान बचाने की जो लड़ाई है इसमें कामयाब होने वाला है? हम तो चूंकि उस लड़ाई के हिस्सा हैं तो हम तो आखिरी लम्हे तक चाहेंगे कि वो लड़ाई कामयाब हो, दिल्ली की सरकार बदले, और इंतज़ार करेंगे हम इस बात का कि बीजेपी जैसे 230 के नीचे आ गई है, NDA अभी 280 और 90 के बीच में झूल रहा है, हम उम्मीद करेंगे कि वो और कम हो जाए, हम उम्मीद करेंगे कि नीतीश कुमार का फिर से अंतरात्मा जागे, चंद्रबाबू नायडू की अंतरात्मा जागे, बहुत कुछ खेल होना बाकी है। हम आखिरी वक्त तक उम्मीद करेंगे कि दिल्ली में तानाशाही वाली सरकार जाएगी और इंडिया गठबंधन वहाँ पर काबिज होगा, जो देश को चलाएगा तो संविधान से चलाएगा।